हे गाइस, गुड इवनिंग, राम राम से सभी को। तो आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा और ट्रैफिक का, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी जगह है। एक्चुअल में मैं आया हूँ यहाँ पे, एक संस्थान है, अलवर की संस्थान है। सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे को ये लगा जान के कि अलवर की संस्थान है और जो खाना है फ्री में मिल रहा है। ठीक है, अगर ये फ्री में इसलिए मिल रहा है खाना क्योंकि यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी दिन आके अपनी तरफ से खाना खिलाता है और कुछ कभी कभी विजन संस्थान के द्वारा खाना खिलाया जाता है। जैसे आज किसी का, अभी थोड़ी देर में घी आएंगे, उन्होंने 5100 रुपये दिए हैं खाने के और जितने भी जो लोग खाना खाना आएंगे वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि ये लोकेटेड कहाँ है। ये लोकेटेड है बिजली घर सर्किल पे, बिल्कुल चौराहे पे लोकेटेड है और रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और बस स्टैंड से भी 1.5 किलोमीटर, तो बिल्कुल सेंटर पर जाता है। और यहाँ खाना ऐसा है बिल्कुल घर जैसा। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वॉक। गाइस, ये हैं हमारे साथ विजन संस्थान के कुछ सेवक जो ये काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जी है और चावल भी है, और ये चावल भी है और साथ में भैया ये क्या दे रहे हो आप, मीठा? ये मीठे में दाने हैं भैया, मीठे में दाने हैं। और इसके साथ चपाती भी दे रहे हो क्या? चपाती है, दाल है। यहाँ पे मिल रही है चपाती। चपाती बिल्कुल ऐसी हैं, प्रॉपर सीखी हुई, मतलब घर के जैसी होती हैं। दाल हो गई, 2 सब्जी, चावल, मीठा और चपाती। तो गैस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ रहा है, आप देख सकते हो जैसे कि लाइन लग रही है। बहुत सारे लोग शाम होते ही अराउंड, इनका जो खाना है वो खाना जो है ये अराउंड 6:30 बजे आता है शाम को और तब तक चलता रहता है जब तक ये फिनिश ना हो जाए, और उसके बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी आ जाते हैं लगभग 7 बजे के आसपास। तो ये खाना दोनों टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई चल रहा है अभी। और ये देखिए थाली, आपको थाली प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पे ये भैया लोग जो है खाना खा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। अंकल जी नमस्ते, तो आप ये बताइए ये खाना पहली बार खा रहे हैं? हाँ बताइए, पहली बार खा रहे हैं खाना? घने दिन से खा रहे हो। तो कैसा है यहाँ का खाना, कैसा है? बढ़िया है, प्रॉपर एकदम घर की तरह है। अच्छा अच्छा, तो ये आपको क्या क्या सब्जी मिलती हैं? 2 सब्जी, मीठा मिल गया, चावल मिल गया, रोटी मिल गई। तो भरपेट मिलता है खाना, कितना भी खाओ। तो गाइस ये था हमारे एनजीओ संस्थान की तरफ से वितरित खाना। बैठने के लिए दरी बिछाई, आप इस पर बैठ के प्रॉपर तरीके से खा सकते हैं। तो गाइस ये देख रहे हो ये चौराहा जो है बिजली घर का सर्किल है और यहाँ पर रेड लाइट प्रॉपर है। तो एक साइड में ये जो है विजन संस्थान बनाएगी, आपको दिखा देता हूँ। ये है विजन संस्थान, जो कि इनका जो कार्यालय मेन वो रामनगर में, एनईबी में बोल सकते हैं इसको, एनईबी में है, एरिया में है। और इसमें चिंटू गुर्जर, हिमांशु शर्मा, 2 इसके संस्थापक हैं जिनके नंबर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ भोजन फ्री नहीं मिलता क्योंकि आपका स्वाभिमान है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ खाना 10 रुपये में मिलता है, जब फ्री नहीं होता, जब कोई यहाँ पे अपना वितरित नहीं करता तो ये 10 रुपये पर प्लेट लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फ्री चल रहा है। और अगर आपको मीठा समेत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 7100 रुपये हैं, और अगर आप बिना मीठे के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 5100 रुपये। तो ये जो लंबी लाइन देख रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रही है विजन संस्थान। मेरे को लगा था कि ये आउट ऑफ अलवर से हैं, ये 5-6 साल से यहीं वर्क कर रहे हैं। तो ये वाले जो भैया हैं इनसे डिस्कस करते हैं, इनकी देखरेख में चल रहे हैं। तो भैया नमस्ते, मैं ओम प्रकाश, अलवर से ही हूँ मैं भी। हेलो, कैसे हो? तो आपके द्वारा ये बहुत जो शानदार काम चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना है। सब पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है भैया योगेश सोनी। योगेश सोनी, अच्छा क्या बात है, मैं भी सोनी हूँ बाहिल। और तो भैया, तो ये जो अपन काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? भैया लगभग इस काम को करते हुए तो 2 साल हो चुके हमको। अच्छा। जब से फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तभी से हमने ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा। फर्स्ट लॉकडाउन के अपन ने अंदर उसे राशन की किटें बांटी थी। अच्छा। पब्लिक के घर घर जाकर। अच्छा। और सेकंड लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में अपन ने बना बनाया खाना, टोल फ्री नंबर निकाला हुआ था उसके द्वारा घर घर खाना पहुँचाया था सेकंड में भी। सेकंड के बाद में हमको ऐसी कुछ परिस्थितियाँ दिखी कि हमको ऐसा लगा कि इस काम को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद हमने इसको यहाँ पे सेटअप किया, लगाया, आज लगभग यहाँ पे 126 या 127 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप, मैं ये जानना चाहता हूँ इस खाने का कोई चार्ज है या फिर फ्री? चार्ज मात्र 10 रुपये लेते हैं। अच्छा। 10 रुपये के अंदर 2 तरीके की सब्जी है, चावल है, रोटियां हैं, प्लस में 2 दिन में 1 बार मीठा करते हैं। 2 दिन में 1 बार मीठा जी। अच्छा। तो 10 रुपये भी चार्ज इसलिए है ताकि कोई खाना लेते हुए या खाते हुए शर्माए ना, अपने हक से मांग सके, खा सके। अच्छा। पेट भर के खाना है, कोई इसके अंदर वो नहीं है। और ये 10 रुपये भी चार्ज नहीं होते, जैसे कि हमारे मित्र हैं जो संस्था में, आज किसी का बर्थडे है
पिताजी की पुण्यतिथि हो गई या कोई भी उनका शुभ कार्यक्रम हो गया, अगर वो अपनी तरफ से खाना देते हैं तो उस दिन हम ये 10 रुपए चार्ज भी नहीं करते, उस दिन खाना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आज ये खाना किसी की तरफ से, आज हमारे बड़े भाई हैं गरवीर सिंह राजपूत, अच्छा उनके बेटे का बर्थडे है, तो आज शाम का खाना उन्होंने गोद लिया है, तो आज का खाना निःशुल्क है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, जिसमें आज मीठा भी है, मीठा भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए गरवीर सिंह राजपूत जी आपको कितना वो पैसे देंगे? मीठे के साथ 7100 रुपए एक टाइम का खाना है, और अगर आप मीठा नहीं करवाते हो तो 5100 रुपए चार्ज होते हैं। तो अच्छा, तो इस तरीके से आपकी फंडिंग चलती है? जी जी। तो मतलब इसको एक्चुअल में 5000 के आसपास ही खर्चा आता है, और मीठा इंक्लूड करते तो 7000 के आसपास। एक्चुअली खर्चा तो ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, क्या है दानदाताओं को देते हुए परेशानी ना हो इसको देखते हुए हमने ये चार्ज रखा है। अच्छा, ये मिनिमम चार्ज है, अगर ज्यादा देना चाहे तो वो उनकी मर्जी। ज्यादा तो वैसे हमारा एक दिन का चार्ज अगर देखा जाए सुबह शाम का लगा के 22 से 25 हज़ार रुपए के बीच बैठता है एक दिन का। तो आप ये सब हैंडल कर लेते हो? भैया अभी तक तो हैंडल हो रहा है, बाकी प्रभु जब तक चाहेगा तब तक करेंगे, जिस दिन उसकी आज्ञा होगी उस दिन अपने आप ही सब काम हो जाएंगे। एक्चुअल में भैया जहाँ नीयत साफ होती है वहाँ सब कुछ होता है भैया। तो अभी ये चल रहा है, ऐसा दिन देखा है यहाँ पर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम यहाँ पे मात्र 3 जने थे, मैं, योगेश सोनी, एक हमारे मित्र हैं हिमांशु शर्मा जो कि संस्था के अध्यक्ष भी हैं, अच्छा, और तीसरे थे हमारे चिंटू गुजर जी। अच्छा, हमने ऐसा समय देखा है कि रोटियाँ बन रही है और आटा खत्म हो गया, हम हमारी जेब से पैसे खर्च करके आटा लेके आए हैं यहाँ। उसके बाद जैसे जैसे चीजें बढ़ती रही, पब्लिक आती रही, डोनेशन बढ़ता रहा, तो उसके बाद से समस्याएं थोड़ी सी खत्म सी हो गई। तो आपको सरकार की तरफ से हम परमिशन मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं यानी सरकार कोई अभी तक सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई समस्या नहीं है, वो लोग फुल सपोर्ट में हमारे। तो फुल सपोर्ट में, तो क्योंकि अच्छा कार्य जब होता है तो उसकी सपोर्ट में दुनिया आ जाती है और वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो और भैया मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस संस्थान को संभालने के अलावा भी कुछ करते हैं, जॉब वगैरह कुछ? जी भैया जॉब भी करते हैं, क्योंकि एक सेवा अपनी जगह होती है, काम अपनी जगह होता है, अगर काम ही नहीं करेंगे तो सेवा कहाँ से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो थैंक यू भैया आपका कीमती समय देने के लिए। और सो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ, आप लोग इस नेक काम को बहुत आगे तक बढ़ा सकूँ। थैंक यू भाई। गाइस कैसा लगा इनका नेक काम? इस नेक काम को हम चाहेंगे कि आप आगे से आगे बढ़ाएं। अगर आप अलवर के प्रवासी हो, बाहर भी अगर कोई अलवर को विजिट करता है तो यहाँ, अगर यहाँ खाना इतना शानदार है कि उसकी होड़ नहीं कर सकते, आप घर जैसा खाना है, लिखा भी हुआ है और लोगों से भी मैंने पूछा है। तो चलिए गाइस हम लोग कोई एंड करते हैं, बस एक कोशिश इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सर।